लुधियाना तो एक खौफनाक खबर सामने आई है जिथे एक मां पुत द्वारा बाप का कतल कर दिता जाता है। इस दोष विच पुलिस उन्होंने मौके तो गिरफ्तार कर लेंदी है। मिली जानकारी अनुसार मामला लुधियाना के BRS नगर का है जिथे मां बाप विच चल रहे कलेश तो तंग होकर नशेड़ी पुत अपनी मां का साथ देंदे हुए बाप का कतल कर देता है। मृतक के भरा ने दसा कि उन्हों का रात तो ही झगड़ा चल रहा है। सतवंत सिंह है, मैं शाम सिंह का छोटा ब्रदर है। इन्हने अपने जिन्हें मर्डर किया इन्हें अपने रिश्तेदार रोपड़ टेलीफोन करता कि मैं शाम सिंह का कहते मैं कम करता सानू। उन्होंने फिर अगर इनफॉरमेशन सानू दी भी पता करो जी, तो असं अज जब पता किया पुलिस को भेजे, पुलिस ने पुलिस को भेजा क्योंकि जिंदे लाए से इन्हें कुंडे ला ला के बैठे से अंदर ये, तो असं पुलिस को बुला के लिया तो पुलिस ने आके दरवाजे तोड़े तो जब अंदर देखा तो अंदर वह मर्डर किया इन्होंने इतना पता लगे है। कोल ही बैठे रहे सारी ना किसी को नहीं, बस सवाए इस कि इन्हें उत्थे इनफॉर्म करता कि शाम सिंह का काम करता ये 75 साल के सी इन्हें सिर पर कोई उत्थे जी शील्ड जी मिलती नाम के पिछले जी मिलती होंगी है वह कोई मारी है जोर जोर की सिर के उ सारा खून खून हो सारा हाल वो हूँ पुलिस के हवाले ही है दोनों जने। डिस्प्यूट कुछ नहीं है, मुंडा जरा नशेई सगा बस नशे करने वाला सगा ये कम कुम करता नहीं कोई इसलिए लड़ाई झगड़े रोज ही रेंदे कई सालों के असी तो इतने इतने भी FIR कराई सी साल डेढ़ साल हो गया पहले सराबा नगर थाने च भी जे इस तरह तरह इन ये तो सू डर है भी मार ना दे मर्डर ना कर दे वही काम हो गया हूँ फिर। उत्थे ही पुलिस अधिकारियों का कहना है कि उन्होंने थाने विच एक फोन आया सी जिसते कार्रवाई करते हुए घटना स्थान की जांच की गई और मौके तो दोषियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। सानू भी जी थाने सराबा नगर एक टेलीफोन के राही एक साढ़े SI कॉल आई है वो आके जो इन्हों का कजन ब्रदर है उन्हें आके थाने दसिया कि साढ़े जोड़ा है ब्रदर वह मतलब कि बेटे की कॉल आई है भी उन्हें अपने फादर का मर्डर करता तो जिसते मतलब जी पुलिस आ अपना मौके पर आए हैं सारे तो उन्होंने अंदर जोड़ा है एडमिट किया भी साढ़े ना रात लड़ाई हुई सी आपकी मदर आपकी वो वाइफ में जोड़ा शाम सिंह और कुटता मारता से बेटे ने फिर इन्हों की स्कफल हुई है तो इन्होंने जोड़ा है वह मर्डर करता। मैं अपने ये मोढ़िया से गोढ़िया तो बहुत दुखी सी, मेरे लिए तो तुरना फिरना भी इन्ना औखा हो मैं दस भी नहीं सकता, पर जब तो मैं फिर रिलीफ मिले 2.5-3 महीने इस्तेमाल करने तो बाद गोडे भी ओके मोढ़े भी ओके। जी तुसी भी किसी इस तरह की बीमारी तो परेशान हो तो बेझिझक होकर इस इस्तेमाल करो, सिर्फ 2.5-3 महीने ये 125 बीमारियों तक का इलाज कर सकता है। फी रिलीफ हमेशा याद रखो। बस कुछ दिनों तो मैं बालों की बड़ी समस्या सी, मेरे बाल झड़ने शुरू हो गए सी। मैं मेरे दोस्त ने ऑयल फी रिलीफ वाले दसिया, मैं ये तेल 3 महीने लाना अपने सिर पर अप्लाई किया, ये बिल्कुल आयुर्वैदिक तेल है यदा कोई साइड इफेक्ट नहीं है, तो मेरे बाल जड़े गंजपन पैना शुरू हो गया से वो दोबारा आने लग गए, तो मैं तो बड़ा फायदा दिता इसने। जे तो अनु भी किसी इस तरह की प्रॉब्लम का सामना कर रहे हो तो ये तेल लाना ना भूलो। कितना कितनी असं अपने बालों करके शर्म फील करते हैं कितनी सोसाइटी बैठे हैं कि कोई मजाक ना कर रहा है, पर थैंक्स टू फ्री लीव जिन्हें मेरा एक कॉन्फिडेंस बिल्ड किया जिसे लगाने मैं मार्केट से बड़ा ही कॉन्फिडेंट हाँ और ये मैं बड़ा फायदा होया। तो मैं सर्वाइकल की भी दिक्कत सी तो भी मैं बड़ा रिलीफ मिले, ये यूज़ करो तो मैं प्रैक्टिकल यूज़ कर रहा।